नमस्कार दोस्तों, BR07 एजल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जब से दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है, तब से मिथिला वासियों की उम्मीदें एवं मिथिलांचल के जो लोग देश के विभिन्न कोनों में रहकर कार्य करते हैं, उनकी उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई है। दरभंगा एयरपोर्ट से सफ़र करने वाले यात्रियों का ऐसा कहना है कि इनमें कोई शक की बात नहीं कि दरभंगा एयरपोर्ट एक बेहतरीन एयरपोर्ट के रूप में उभर कर आ रहा है सामने। बल्कि उड़ान योजना के तहत शुरू हुई एयरपोर्ट में से सबसे विकसित एवं सफल एयरपोर्ट के नाम से भी बिहार का ये एयरपोर्ट जाना जाता है। लेकिन जब से दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है, तब से कई उम्मीदें भी की जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट से जो कि 2021 वर्ष में पूरा ना हो सका कार्य, अब आने वाले 2022 में उम्मीद की जा रही है कि उन सभी कार्यों को 2022 में संपन्न किया जा सके, जिनमें सबसे पहला कार्य है कि पूर्ण रूप से आईएलएस सिस्टम का निर्माण होना, ताकि ठंड या फिर खराब मौसम में विमान के उड़ान में कोई तकलीफ ना होना पड़े। दूसरा, दरभंगा एयरपोर्ट के चार दीवारी को ऊंचा करना, ताकि कोई भी जानवर एयरपोर्ट में प्रवेश ना कर सके। तीसरी सबसे बड़ी, जो कि यात्रियों को छोड़ने आने वाले परिजनों का बार बार यही कहना है कि कम से कम यात्रियों के साथ एक परिजन को दरभंगा एयरपोर्ट के अंदर जाने की अनुमति दिए जाने चाहिए। दोस्तों, ये साल का आखिरी दिन है, जो कि ये सभी कार्य इस साल ना हो सका, और हमें उम्मीद भी है कि आने वाले साल 2022 में इन सभी कार्यों को पूरा किया जा सकेगा और यात्रियों की जो तकलीफ है उसे कम किए जाने की उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या राय है हमें आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर अपडेट समय के साथ हम आप तक पहुँचा सकें। शुक्रिया।